नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल पांडे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आज 30 जनवरी को पुण्यतिथि है। 30 जनवरी 1948 में महात्मा गांधी की नाथूराम गोडसे ने बिड़ला हाउस में गोली मारकर हत्या कर दी थी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजघाट पर जाकर राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि दी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और पीएम मोदी ने राजघाट पर 11 बजे बापू की समाधि पर माल्यार्पण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 5 बजे बिड़ला हाउस जाएंगे और भजन में शामिल होंगे। बिड़ला हाउस में ही प्रार्थना के दौरान महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। पीएम मोदी गांधी के पसंदीदा भजन वैष्णव जन के गायन में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा है कि उनके आदर्श विचारों को और अधिक लोकप्रिय बनाने का हमारा सामूहिक प्रयास है। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा है, बापू की पुण्यतिथि पर उन्हें याद कर रहा हूं। उनके आदर्श विचारों को और अधिक लोकप्रिय बनाने का हमारा सामूहिक प्रयास है। उन्होंने कहा, शहीद दिवस पर उन सभी महान लोगों को श्रद्धांजलि देता हूं जिन्होंने वीरतापूर्वक हमारे देश की रक्षा की। उनकी सेवा और बहादुरी हमेशा याद की जाएगी। 30 जनवरी 1948 को दिल्ली के बिड़ला हाउस में महात्मा गांधी थे। करीब शाम 5:15 बजे गांधी जी प्रार्थना के लिए बाहर निकले थे। गांधी जी के साथ आभा और मनु भी थी। तभी अचानक नाथूराम गोडसे गांधी जी के सामने आया। नाथूराम गोडसे ने पहले महात्मा गांधी को नमस्ते कहा। इसके बाद नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को 3 गोलियां मारी। 2 गोलियां गांधी जी के शरीर को पार कर गई थी, जबकि 1 गोली उनके शरीर में ही फंस गई थी, जिसके बाद महात्मा गांधी का मौके पर ही निधन हो गया था। इस खबर में इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।